लोकसभा चुनाव के दो चरणों में 190 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। साथ ही 11 राज्यों तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में लोक आयोग के मुताबिक दूसरे चरण में 64% से थोड़ा अधिक मतदान दर्ज किया गया, जबकि 2019 में दूसरे चरण में 88 में से 85 सीटों पे 69.64% मतदान हुआ था। इसी तरह पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर करीब 56% वोटिंग हुई और 2019 में इन सीटों पर 70% किया गया। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार की धार की कई वजहें बताई जा रही हैं। भीषण गर्मी, शादी का मौसम, वोटर्स में उत्साह की कमी, सरकार को लेकर उदासीनता, अधिक चरणों में मतदान और खास मुद्दों का अभाव। लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 के मतदान प्रतिशत पर गौर करें तो वाकई में ये डरावना है। चुनाव आयोग से लेकर पार्टियों के नेता परेशान हैं, क्योंकि कम मतदान होता जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले चरण में इतनी ही सीटों पर मात्र 66% मतदान हुआ है। वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इतनी ही सीटों पर 70% मतदान हुआ था, जबकि 2024 के आम चुनाव में इतनी ही सीटों पर दूसरे चरण में मात्र 64% मतदान हुआ है। मतदान प्रतिशत कम होने का सबसे बड़ा और बीजेपी की शादी हो रखी है, जिसको मैरिज कहते हैं उसको आप पार्टनरशिप कहिए, उसको आप शादी कहिए, मगर दोनों एक साथ मिले हुई वही 22 लोगों को पूरा फायदा दिया और अंकल जी ने और नवीन बाबू ने मिलकर उड़ीसा की जनता को पान दिया। पान अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAANN। ये कांग्रेस के साझेदार को आप बोलने की हिम्मत करते हैं, नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब देश के सामने खुल करके सामने आ रही है। और हावी थी जैसे कि राम मंदिर, CAA, आर्टिकल 370, मोदी गारंटी, महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन मतदान प्रतिशत कम होते ही दूसरे मुद्दों पर फोकस बढ़ने लगे। पीएम मोदी का मंगल सूत्र वाला बयान भी सामने आया, जो नया भी था और विपक्षियों के लिए परेशानी का सबब भी। कांग्रेस एक्सरे कराने वाली एक्सरे, आपके लॉकर में क्या पड़ा है वो खोज के निकालेंगे, आती हैं तो एक्सरे करके वो भी खोज के निकालेंगे, लॉकर में रखे आपके गहने हो, महिलाओं का मंगलसूत्र हो, कांग्रेस सब कुछ खोजने में लगेगी। एक तरफ राहुल गांधी हमलावर हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री भी उसका लगातार जवाब दे रहे हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र को निशाना बनाते जो भी हो, लेकिन चुनाव आयोग और पार्टियों के लिए चिंता बढ़ाने वाले संकेत हैं। इंडिया न्यूज की तरफ से जो सर्वे किया गया, इसका पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल, दो चरणों में कम मतदान की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? वोटर की उदासीनता, ऐसा कहने वाले 19% लोग हैं। गर्मी से परेशानी, 43% लोग ऐसा कह रहे हैं। सियासी दलों की कमी, इस ऐसा कहने वाले 8%, 43% लोग गर्मी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। और रविंद्र प्रताप जी, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, चुनाव लोकतंत्र का एक अहम पहलू होता है और जरूरी भी है, लोकतंत्र चलता रहे, लोगों के पास चुनाव की है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चिंता बढ़ाती हैं चीजें, या फिर आपको लगता है
इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए पत्रकार महोदय, ये बात आपने सही कही, चुनाव वाली बात जो। मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं आपको अपना नाम बता देता हूँ, राजीव शर्मा मेरा नाम है। जी 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 राजीव जी, देखिए विकास की निरंतरता और विकसित भारत के लिए, जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए मतदान हम सबकी जिम्मेदारी होगी। अब रही बात मतदान की, जो मतदान परसेंटेज जो कम हुआ है, देखिए जो मतदान कम हुआ है, जिससे चिंता जिनको हो रही है वो सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। लेकिन यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, जो हमारा जो कार्यकर्ता है, नीचे देख सकते हैं, आप बता रहे थे अभी अखिलेश यादव जी किस तरह से वहां भड़काने वाला काम कर रहे थे संबल में कि आप श्रद्धांजलि में वोट दीजिए। अब एक बात समझिए, आप ऐसी संवेदना के साथ, ऐसी सिंपैथी के साथ वोट मांगेंगे जनता की, जनता क्या समझेगी? अवधेश जी, मेरा सवाल इससे जुड़ा नहीं है कि अखिलेश जी क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल सीधे सीधे ये है कि राजनीतिक दल होने के नाते अगर मतदान कम होता है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा पहलू आपको नजर आता है, या फिर आपको लगता है कि मौसम की मार है, ये होता रहता है? नहीं देखिए, मतदान यदि कम हुआ है तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जो एक इंडिया अलायंस है, जो उनका स्पेशल वोटर है, वो घर से नहीं निकल रहा है कहीं ना, ये भी बात सच है, इसको भी हम नकार नहीं सकते। एसटी का बात करते हैं, भाई एससी एसटी जो समाज है हमारे देश का, उनका हक छीनने वाले यदि उनके लिए बात करें तो वो उन्हें वोट देंगे क्या? आप जवाब तो दे रहे हैं अवधेश जी, लेकिन आपका जवाब राजनीतिक पहलू पर ज्यादा जा रहा है। मैं ओवरऑल फिगर की बात कर रहा हूं। खैर मैं रविंद्र प्रताप जी का रुख करता हूं, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपने अखिलेश यादव का नाम लिया तो वो आपको जवाब जरूर देंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने शुरुआत इसकी की है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करूंगा रविंद्र प्रताप जी, घटता हुआ मतदान ये चुनाव आयोग के लिए भी एक चिंता की बात है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी एक चिंता की बात है। दोनों ही चरणों में संकेत ये मिल रहा है कि लोग, जबकि ओवरऑल वोटर बढ़े हैं और मतदान का वोट परसेंट कम हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, दूसरी जिम्मेदारी पार्टियों की होती है, पार्टियों में प्रमुख रूप से जो रूलिंग पार्टी होती है। कारण बताता हूं मैं, 14 और 19 के चुनाव में उन्माद था, इस बार उन्माद पैदा करने की कोशिश किया, जनता ने स्वीकार नहीं किया। दूसरा, युवा आकांक्षाएं जो थी उनकी उपेक्षा की गई, इसको मैं मत प्रतिशत के हिसाब से बताता हूँ, जो युवा वोटर थे इस बार, जो जिनको हम एनलिस्ट करा सकते थे, उनकी टोटल संख्या 4.75 करोड़ थी, लेकिन एनलिस्ट हुए 1.84 करोड़। मतलब कि हम जो वोटरों की संख्या बढ़ा सकते थे वो नहीं बढ़ा पाए, इसमें निर्वाचन आयोग की प्रथम 19 में घट के 1.9% हो गई, 24 में घट के 1.84% हो गई, जो 1970 के बराबर में है। तो जो युवा वोटर की संख्या घटी है, इसका मतलब युवा जो हमारा फर्स्ट टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर को कोई उत्साह नहीं है इस वर्तमान चुनाव में। मुझे बहुत अच्छा लगा रविंद्र प्रताप जी की आपने अपने जवाब को सवाल के दायरे में रखा और आप उसको राजनीति की तरफ नहीं ले गए, आपने बड़े अच्छे तरीके से चीजों को सामने रखा है। मैं, मेरे साथ राहुल लाल भी जुड़े हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि हम इस लोकतंत्र के पर्व में लोगों के खिंचाव को किस तरीके से एड्रेस कर पाते हैं। मैं राहुल लाल आपके पास आता हूं, आप दोनों को मिलकर जवाब दे दीजिएगा। मैं सवाल दूसरा भी रख देता हूं लोगों के सामने, जो हमने सर्वे किया उसमें यह सवाल पूछा कि दो चरणों में कम मतदान के बाद कौन सी पार्टी ज्यादा आक्रामक हुई है, तो जो जवाब निकल कर आए हैं वो भी सुन लीजिए। बीजेपी को कहने वाले आक्रामक 67% और कह नहीं सकते कहने वाले भी 8% के करीब लोग यहां पर निकल कर आए। अब दोनों ही चीजों को लेकर मैं अपने पैनल के पास जाऊंगा और राहुल लाल आपसे शुरुआत करूंगा, पहले सवाल के जवाब को भी इंक्लूड करिएगा, ये घटता मतदान प्रतिशत क्या स्वस्थ परंपरा लग रही है, क्या लोग हार चुके हैं ये संकेत आ रहा है, या फिर लोगों के ऊपर जैसा पहले सर्वे में निकला था 43% लोगों ने कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है हम नहीं निकल पाए, और ये दूसरा सवाल संकेत क्या दे रहा है राहुल लाल? राजीव जी देखिए, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे मतदान प्रतिशत में वृद्धि हो, क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत हमारे लोकतंत्र का सबसे मूलभूत आधार है,
पूरा इसकी नींव रखी गई है कि आप 5 वर्ष में एक बार सरकार चुनते हैं, उस समय भी अगर वोटर नहीं आ रहे हैं तो इसलिए जो प्रथम वाले में आप वहां पे चुनाव आयोग के बारे में लोगों ने कहा है वो मैं उस राय से भी मैं पूर्णतः सहमत हूँ। देखिए गर्मियां तो देखिए हर बार राजीव जी होती है, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भीषण गर्मी थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी गर्मी थी और ये करीब करीब तो एक ही वक्त था बिल्कुल बिल्कुल एक ही वक्त था। देखिए इसमें इसलिए मैं गर्मी के तर्क से मैं सहमत नहीं हो पा रहा, ये शादी विवाह का समय भी ये वोट नहीं दे रहे हैं, ये हमारे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। मैं इसको दल के मामले से काफी ऊपर का मामला देख रहा हूँ। देखिए अगर मैं एक मॉडल का एक उदाहरण ले रहा हूँ, राजस्थान से जो आंकड़े निकल के आए, चूंकि वहां के चुनाव तो संपन्न हो गए, वहां दिसंबर में विधानसभा के चुनाव के संपन्न हुए थे, दिसंबर में फर्स्ट टाइम वोटर्स ने जो जिन लोगों ने वोट कास्ट किए थे विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में 50% तक फर्स्ट टाइमिंग वोटर जो है कि वो चुनाव लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट नहीं डाला, तो वो एक बड़ी चिंता की स्थिति है कि एक उत्साह हुआ करता था राजीव जी पहले कि जब लोग 18 वर्ष के पूरे होते थे कि मैं प्रथम बार मत डालूंगा कैसे डालूंगा, वो सोचते थे आखिर वो युवा अब क्यों गंभीर नहीं हो रहे हैं, ये एक चीज सोचना पड़ेगा राजनीतिक दलों को भी, सिविल सोसाइटी को भी। और अब दूसरे सवाल पर आ जाइए जो ये कम वोटिंग के बाद। देखिए राजीव जी मैं यहाँ पे जनता ने जो राय दिया आंकड़ों को लेकर वो मैं बिल्कुल वो उससे सहमत हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आक्रामकता काफी ज्यादा बढ़ी है और हम लोगों ने यह भी चीज देखा चाहे वो तमाम जगह पे उस प्रधानमंत्री जो पहले भाषण दे रहे थे उस भाषण का स्वरूप सांप्रदायिक किस्म का नहीं था, लेकिन जब प्रथम चरण में वोट प्रतिशत गिरे तो प्रधानमंत्री ने काफी ज्यादा जो है वो अल्पसंख्यक से लेकर तमाम मामले जो है उनके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया, जनसंख्या वृद्धि के आरोप लगाना शुरू कर दिए, मंगल सूत्र का मामला। देखिये भले ही अवधेश जी यहाँ पे स्वीकार ना करें लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके तंत्र ने जरूर यह स्वीकार किया है कि उनके वोटर नहीं निकल के आ रहे हैं। ठीक है राहुल जी मैं इसी सवाल के साथ सीक्वेंस अब आगे बढ़ाता जाता हूं, पहले रविंद्र जी फिर उसके बाद अवधेश जी के पास इन्हीं सवाल के साथ जाऊंगा। रविंद्र जी आक्रामकता की भी बात बहुत चली है और हमारे सर्वे में भी वो झलक कर सामने आई है, आंकड़े को किस तरीके से देख रहे हैं, घबराहट या और कुछ? राजीव जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ लेकिन यह उनकी परिपाटी है जिसको आप आक्रामकता कहते हैं, इसको हम लोग उन्माद बोलते हैं। उन्माद के सहारे 2 इलेक्शन लड़ा उन्होंने, तीसरे इलेक्शन में अब उन्माद नहीं चल रहा था, फिर से उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई, अलग अलग तरीके के, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, अलग अलग तरीके से उन्माद पैदा करने की कोशिश की गई तो परिणाम कम से कम मैं उत्तर प्रदेश का बता दूं बहुत शर्मनाक परिणाम है। 70 वोट बढ़वाने थे हर बूथ पे डलवाने वाले, अगर ये नहीं कर पाए, हम लोगों ने तो ऐसा दावा नहीं किया या विपक्ष ने दावा नहीं किया, ये नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से इनकी आक्रामकता बढ़ेगी क्योंकि अब इनके लोग जाके काम नहीं कर रहे हैं जमीनी स्तर पे क्योंकि इनके लोग भी सफरर हैं, तो अब आक्रामकता से बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन आक्रामकता का दौर अब मुझे जा चुका है, उन्माद का दौर जा चुका है। जनहित के बात अगर अभी भी नरेंद्र मोदी जी अपने मंचों आए लूं, तीसरा सवाल भी सामने रख देता हूं, जनता के बुनियादी मुद्दों से चुनाव अभियान को भटकाने का काम कौन सी पार्टी कर रही है? अब समझने की कोशिश कीजिएगा, जनता के बुनियादी मुद्दों से भटकाने का काम कौन सी पार्टी कर रही है? तो यहां पर आंकड़ा बदलता हुआ दिखा, 27% लोग कहते हैं बीजेपी ऐसा कर रही है, 27% 45 का हम कह नहीं सकते। यहां पर आंकड़ा कुछ अलग टर्न लेता हुआ दिख रहा है, एज इट इज जो लोगों ने कहा वही हम आपके सामने रख रहे हैं। अवधेश जी दूसरा और तीसरा सवाल आपके सामने रख रहा हूं और दूसरे और तीसरे सवाल की जानकारी आपने सुन भी ली होगी, अवधेश जी क्या वाकई 2 चरणों का कम मतदान आक्रामकता पर ला रहा है और क्या जो वोटर है वो उनमें मतलब उत्साह नहीं है? ऐसा नहीं है, जो हमारे वोटर हैं जिन्होंने मतदान किया है 2 चरणों में बहुत ही उत्साह पूर्वक। अवधेश जी एक बात बोलूं क्या अगर आप अनुमति दें, मेरा हमारे जो सवाल है ना, ये बीजेपी के वोटर या समाजवादी के पार्टी के वोटर या कांग्रेस के वोटर इसमें विभाजित नहीं है, वो वोटर परसेंटेज और वोटरों के ऊपर है, वो सभी। देखिए मतदाताओं में ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं है, मतदाताओं में उत्साह है, आप देखिए 2014-2019 के मुकाबले इस समय जो है मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है,
अभी जो सपा के जो प्रवक्ता बैठे आंकड़ा बता रहे थे, ऐसा नहीं है कि युवाओं ने इसमें भाग नहीं लिया है, 6 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया है इस बार। ये आंकड़ा पता नहीं कहां से लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये है जो पहली बार जो वोटिंग कर रहा है हमारा युवा, और जो युवा और उसके अलावा जो दूसरी बार कर रहे हैं वोटिंग, उनमें अच्छा की सरकार तो बननी नहीं है, मेरा वोट खराब हो जाएगा, मैं क्यों जाऊं भाई घर में, घर से निकले गरीबी में। वो जो वर्ग है वो केवल घर से नहीं निकला है, और आप ये जो है परिणाम 4 जून को आएंगे उसमें ये साफ हो जाएगा। अब चाहे समाजवादी पार्टी ये कहे कि बीजेपी के वोट कम हो रहे हैं, कांग्रेस कहे कि मेरे ज्यादा हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच्चाई है 4 जून को सबके सामने होगी। रही बात आक्रमक की, देखिए ये जो उन्माद की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के अंदर, पर्सनल लोग को मजबूत करेंगे तो इसका मतलब तो ये है कि सरिया कानून आप चलाएंगे देश में। तो भाई देश की जनता जो है, जो आप बांटते हो एससी एसटी दलित ओबीसी और जो अन्य वर्गों में बांटते हो भाई, वो आपको वोट कभी नहीं देगी अगर आप ऐसे मैनिफेस्टो बनाओगे जिसमें आप पर्सनल लोग को मजबूत करोगे, माइनॉरिटी में एम वर्ग को आप विशेष दर्जा दोगे, तो भाई देश की जनता आपके लिए वोट नहीं देगी। इसका जवाब रविंद्र प्रताप जी दिखाई पड़े, लेकिन फिर भी हमारे सवाल जो कह रहे हैं मैं एज इट इज आपके सामने रख रहा हूं, आगे रुक करूंगा, लेकिन चौथे सवाल के साथ, चौथा सवाल हमने पूछा बाकी के 5 चरणों के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप क्या मानते हैं, बाकी के 5 चरणों के लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा आप क्या मानते हैं, तो देखिए जवाब क्या आए। 4% लोग कह रहे हैं मंगलसूत्र, 8% लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी, 23% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। मोदी की गारंटी को लेकर काफी कुछ बवाल, काफी कुछ बातें राजनीतिक दलों के बीच में हुई है। इस गारंटी को लेकर लोगों के सामने दोनों ही तरफ से लोग गए हैं। जो सवाल के जवाब सामने आए वो हमने आपके सामने रख दिए। पहले राहुल लाल आपके सामने आते हैं, ये जो सवालों के जवाब सामने आ रहे हैं, मोदी गारंटी की भी बात बता देता हूँ। दरअसल मोदी की गारंटी का इतना प्रचार हुआ कि इसे हमने अपने सवाल में शामिल किया कि क्या ये एक मुद्दा होगा या नहीं होगा, तो जो जवाब आया वो आपके सामने रख रहे हैं। मैं राजीव जी देखिए, मैं जनता ने जो सर्वे में जो जवाब दिया उससे मैं सहमत हूं, क्योंकि देखिए मोदी की गारंटी को लेकर इसमें काफी ज्यादा चर्चा हो रही है जनता के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी जी गारंटी देते हैं, अवधेश जी जवाब देंगे थोड़ी देर में इसका, 48 घंटे के भीतर अजीत पवार जो है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस के खजाना मंत्रालय भी छीन के अजीत पवार को दे दिया गया था। तो इसलिए मोदी के गारंटी पे लोग काफी गंभीर विमर्श कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामले पे लेके अन्य चीजों को लेके, इसमें मैं इससे सहमत हूँ। और इससे पहले खंड में भी आपने एक सवाल पूछा था, उन दोनों चीजों का मैं समन्वित उत्तर मैं दे दूंगा। तो कहने की जनता उत्साह में है, जनता उत्साह में तो तब मानेंगे ना राजीव जी, कि कम से कम पुराने मानक पे अगर मतदान प्रतिशत चल जा रहा होता, लेकिन अगर पुराने मानक से वो नीचे ही गिर रहा है, और प्रथम चरण के तुलना में द्वितीय चरण में अवधेश जी बहस नहीं है इस शो में, ये चर्चा है और सबको पूरा समय दूंगा। राहुल लाल जी बात पूरी करें, फिर रविंद्र जी के पास जाना है। मैं यही चीज कह रहा हूँ, इसलिए जनता ने की मोदी की गारंटी का मामला को एक बड़े संख्या में लोग उसको चुनावी मुद्दा मानते हैं। हाँ ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है, क्योंकि अगर देखिए मोदी के गारंटी पे विश्वास होता लोगों को तो फिर तब तक मोदी की, यानी आप मोदी की गारंटी को दोनों तरीके से यहाँ सामने रख रहे हैं, पब्लिक उस पर यकीन कर रही है, पब्लिक उस पर तंज कस रही है। मैं रविंद्र जी का रुख करूंगा। रविंद्र जी, ये जो हमारे सर्वे का चौथा सवाल था जहां पर आगे आने वाले चरणों के मुद्दे की हमने बात कही, उसके जवाबों को लेकर एक सर्वे हुआ था CSDS से, उसमें 5% जो निकल के आया था कि मुद्दा क्या है, महंगाई और बेरोजगारी है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे मुद्दे तक सीमित रहें, मैं अपने सर्वे की बात करूंगा। ऐसे बहुत सारे सर्वे होते हैं जिन्हें प्लेटफॉर्म देना मैं ठीक नहीं समझता, तो मेरी चर्चा में मोदी की गारंटी को लोग 62% लोग अपनी नजर में रख रहे हैं, क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है? अब जो CSDS दोनों बार किया, 14 में भी दिया उन्होंने, 19 में भी दिया, और 2024 में तीसरी बार भी कहा कि हम ऐसा करेंगे। कब करेंगे? 2047 में करेंगे। तो भारत की जनता आप इतनी मूर्ख नहीं रही कि 2047 तक इंतजार करेगी। तो मोदी जी ने जो गारंटी दिया 14-19 में पूरी नहीं हुई, अभी जो गारंटी देने की बात कर रहे हैं उसकी बात करते हैं कि 2047 में पूरी होगी। तो निश्चित विश्व के लोकतंत्र और भारत के लोकतंत्र के लिए
किसी एक कोई एक व्यक्ति लोकतंत्र में गारंटी नहीं ले सकता है, अगर वो लेगा तो जनता उबेगी और उसको एक तानाशाही के रूप में। चलिए इस जगह मैं अपना सवाल आपके सामने रखता हूं, लेकिन जवाब मांगने के लिए नहीं। मेरा मानना यहां पर यह है, और ये मेरा मानना है कि देश का प्रधानमंत्री अगर किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो कौन लेगा? कम से कम मोदी ये तो कर रहे हैं जिम्मेदारी, इस पर जवाब आप आगे दे सकते हैं, क्योंकि हम आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पद से इस्तीफे का ऐलान कर